नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और सत्ता संग्राम में आपका स्वागत करती हूं राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा के साथ। सोमवार को देश में पांचवें चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें 7 राज्यों की 51 सीटों के लिए मतदान होगा। इसमें राजस्थान की भी 12 सीटें शामिल हैं। अनिल जी, इन 12 सीटों की थोड़ा बात करना शुरू करें तो सबसे पहले हम दौसा की बात करते हैं। दौसा में 3 देवियां आमने सामने हैं, हालांकि जो मुख्य मुकाबला है वो 2 में ही है, जिसमें सविता मीणा और जसकौर मीणा के अंदर। कैसे देखते हैं आप इस मुकाबले को? जसकौर मीणा 2 बार सांसद रह चुकी है, केंद्र में सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री भी रह चुकी है देश में, और सविता मीणा वर्तमान विधायक कांग्रेस के मुरालाल मीणा की पत्नी है। अंजू धानका भी वहां चुनाव लड़ चुकी है, जो इसी क्षेत्र में आने वाले बस्ती विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुकी है। अंजू धानका को मैं मुख्य मुकाबले में नहीं मानता, क्योंकि उनकी जो रिलेवेंस थी वो जनरल सीट की बजाय, मतलब वो जो रिजर्व सीट थी वहां पर, जब लोग बस्सी में गैर मीणा के साथ जाना चाहें और धानका चूंकि एसटी में मान ली गए, तो मीणा वर्चस्व को चुनौती देने के लिए लोग इनको इस्तेमाल करते, इनको आगे रख के जिता देते चुनाव। इसलिए इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में ये दबावना घर करेगी, ये धारणा घर करेगी, मैं नहीं मानता। फिर भी चुनाव लड़ रही हैं, बस्सी से 2 बार एमएलए रह चुकी है, एकदम खारिज नहीं किया जा सकता, कुछ सोचा होगा उन्होंने। लेकिन ये मुख्य मुकाबला मुझे कांग्रेस की सविता मीणा, मुरलीलाल मीणा की पत्नी, कांग्रेस की वर्तमान विधायक दौसा से, उनकी पत्नी, और जसकौर मीणा जो सवाईमाधोपुर से 2 बार सांसद रह चुकी है, केंद्रीय मंत्री रह चुकी, उनके बीच है। वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त ये जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें बांदीकुई भी कांग्रेस के पास है, दौसा भी कांग्रेस के पास है, लालसोट भी कांग्रेस के पास है, बस्ती निर्दलीय के पास है, लेकिन वो कांग्रेस के साथ है, समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस का। और ओम प्रकाश हुडला महुआ से जो विधायक हैं, उनकी कुछ कह नहीं सकते किसके साथ हैं। वो पहले कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, फिर पत्नी को बीजेपी से आगे किया टिकट के लिए। एक बार तो उन्होंने मुझे कह ही दिया कि बीजेपी में टिकट मिल गया उनकी पत्नी प्रेम प्रकाश मीणा को, पर वो नहीं मिला। ओम प्रकाश हुडला बहुत ही कट्टर विरोधी हैं डॉक्टर किरणलाल मीणा के, उन्हीं के भतीजों को हरा के आए, चुनाव जीते, और खुद की पत्नी को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद क्या वो बीजेपी के साथ होंगे, क्योंकि वो निर्दलीय हैं, किसी के भी साथ जा सकते हैं, और ऑलमोस्ट राजस्थान के सारे 13 निर्दलीय विधायक इस वक्त कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। मेरा अनुमान है कि ओम प्रकाश हुडला कांग्रेस का साथ दे रहे होंगे, और किरोड़ी मीणा के समर्थक डॉक्टर किरोड़ी मीणा राज्यसभा के मेंबर, पहले दौसा के सांसद रहे हुए, दौसा के जिला प्रमुख रहे हुए, मीणा समाज के दिग्गज नेता, उनके समर्थक भी शायद जसकौर मीणा का साथ नहीं दें, क्योंकि जसकौर मीणा के और किरोड़ीलाल मीणा के सवाईमाधोपुर की सीट को लेकर 36 का आंकड़ा रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने तो अपील की है सभा में अमित शाह की मौजूदगी में, पर वो अपील भी दोधारी तलवार जैसी थी। जैसे किरोड़ी सिंह बैसला वहां मौजूद थे, तो कहा बैसला जी आप भी कुछ शर्त तय करा के आए होंगे, दो किरोड़ी राज्यसभा में होंगे जी। अब वो किरोड़ीलाल मीणा खुद ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं किरोड़ी सिंह बैसला राज्यसभा में आएंगे, तय करा के आए एक तरह से। और आप और मैं मिलके पायलट के परिवार के वर्चस्व का सफाया कर देंगे, तो पायलट परिवार के वर्चस्व के कारण जो लोग उनके अनुयायी हैं पायलट के, राजेश पायलट सांसद रहे यहाँ से, सचिन पायलट, इनको इनके समर्थकों को संदेश चला गया कि आ गया किरोड़ी बैसला और अब तुम्हारे नेता के कि खैर नहीं है दौसा में, अगर किरोड़ी सिंह बैसला की बात मान ली गई तो। यानी किरोड़ी सिंह बैसला सचिन पायलट के नेतृत्व को चुनौती दे रहा है गुर्जर समाज में, ऐसा उन्होंने एहसास कराया जी। और ये भी कह दिया कि जसकौर मीणा दिल्ली जाएंगी, मंत्री बनेंगी, हम इनके पीछे पीछे चलेंगे और विकास करेंगे क्षेत्र का जी। तो किरोड़ी मीणा के समर्थकों को भी संदेश चला गया, मैं मानता हूँ जी, तो मेरे से आगे हो जाएगी स्कोर। एक भाषण से उन्होंने कई सारे संदेश एक साथ दे दिए, हो सकता है ये उनके मन में नहीं रही हो, लेकिन जो भाषण के इम्पैक्ट है वो ये है जी। मन में उनके क्या पता थी कि नहीं थी, पर जो ये इधर वार किया तो पायलट पे, तो मेरे को लगता है कि वो लग गया किरोड़ी सिंह बैसला पे, इधर वार किया
तो लगेगा जसकौर मीणा, ऐसा मेरा राजनीतिक आंकलन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। नीरज जी, आप इस सीट को किस तरह देखते हैं, आपको क्या लगता है किसका पलड़ा आपको यहाँ थोड़ा सा भारी दिखता है? देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात यह कि जो ओम प्रकाश हुड्डा की बात की है अनिल सर ने, तो ओम प्रकाश हुड्डा जब तक टिकट मांग रहे थे तब तक तो बिल्कुल पूरी लाइमलाइट में थे, मुख्य धारा में थे, लेकिन जब से टिकट की घोषणा हुई है ओम प्रकाश हुड्डा पूरे प्रदेश से आउट है और कहीं नजर नहीं आ रहा, और ये नहीं लग रहा कि वो है कहाँ, किसके साथ में है, किसके विरोध में है, तो बिल्कुल वो अपने आप को उन्होंने सीन से गायब हो गए। तो ओम प्रकाश हुड्डा किस करवट बैठेंगे, वाकई में सर ने सही कहा, ये कल ही मतदान के बाद पता लग सकेगा। और जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो संदेश दिया है उस संदेश के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो किरोड़ीलाल मीणा के संदेश के बाद से जो वहाँ का गुजर समाज था, सचिन पायलट के समर्थक जिनको माना जाता है, राजेश पायलट के समर्थक माने जाते हैं, वो खुलकर सविता मीणा के पक्ष में लामबद्ध हो गए। दूसरा, मीणा समाज में भी उनको लेकर दो तरह की बात चल रही है, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि उनको ये संदेश है कि दो बार जब टिकट कटा सवाई माधोपुर से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी का, तो वो जसकौर मीणा के कारण ही कटा। और इस बात को सार्वजनिक तौर पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बार बार कहते भी हैं कि मेरा जब पहला टिकट कटा तो जसकौर की वजह से कटा, दूसरी बार टिकट कटा सवाई माधोपुर से तो जसकौर की वजह से कटा। तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में इस बात को लेकर नाराजगी भी है, गुस्सा भी है। तो देखिए, क्योंकि ये गुस्सा और नाराजगी, भले ही किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा हो मंच से कि मैं अमित शाह के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हम लोग सब साथ में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों का मानना कहीं ना कहीं उनके नेता का अपमान हुआ, और हो सकता है वो नेता का अपमान वोटों में कहीं ना कहीं बदला ले। और सविता मीणा यहाँ कुछ प्लस होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दो दो नेता, हालांकि किरोड़ी सिंह बैसला ने भी वहाँ पर सभाएँ की है, मीटिंगें ली है, लेकिन मैं आपको बता दूँ किरोड़ी सिंह जी बैसला का असर दौसा जिले की बजाय धौलपुर करौली में ज़्यादा है, क्योंकि जब भी गुर्जर आंदोलन हुआ तो मैंने काफ़ी नज़दीकी समाज से देखा है कि उनके साथ साथ आंदोलन तो जरूर दौसा में गुर्जर समाज करता है, लेकिन उनका नेतृत्व वो जो है किरोड़ी सिंह बैसला जी को कभी नहीं मानते, वो उनके आदेशों की हमेशा अनदेखी ही उन्होंने की है। तो यहाँ पर इन चुनाव में भी देखना ये पड़ेगा, क्योंकि राजेश पायलट समर्थक वर्सेज किरोड़ी सिंह बैसला समर्थकों के बीच भी कहीं ना कहीं दंगल होने की संभावना है। बांदीकुई जो विधानसभा क्षेत्र है और वो वहां से खटाना एमएलए हैं भी, जो सचिन पायलट के खास है, राइट हैंड है, और राजेश पायलट के भी वो पीएस रहे हैं, तो बरसों से इस परिवार के सदस्य की तरह हैं, तो वो क्या खटाना के एमएलए होने के बावजूद किरोड़ी सिंह बैसला की बात सुनी जाएगी वहां पर? दूसरी बात में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पिछली बार इस चुनाव को हरीश मीणा ने जीता था, डीजीपी राजस्थान के पूर्व, बीजेपी के टिकट पर, अब वो कांग्रेस के टिकट पर एमएलए देवली से टोंक जाकर के। इसलिए जो बीजेपी का सांसद था 5 साल, वो आज कांग्रेस का एमएलए है टोंक से, तो उनकी अगर कोई भी फॉलोइंग रही होगी तो क्या वो वोट आज बीजेपी को पड़ेंगे, जबकि वो कांग्रेस में चले गए, एमएलए हो गए, एक बात। दूसरी बात, उन्हीं के बड़े भाई नमोनारायण मीणा ने चुनाव लड़ा था पिछली बार कांग्रेस से, तो दोनों भाइयों ने चुनाव लड़ा था। अगर नमोनारायण मीणा की, हरीश मीणा की स्ट्रेंथ जोड़ दी जाए, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो ये दरअसल दौसा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट देने के लिए भी सवाई माधोपुर से जसकौर मीणा को लाना पड़ा, आयातित करना पड़ा, और उसके बाद जसकौर मीणा का चुनाव कौन मांड सकता है, इसका भी वहाँ एक संकट रहा। हालांकि बीजेपी के जो दूसरे कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता, वो कटिबद्ध हैं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, और मोदी के जो मोदी भक्त जमात एक मैं बात पे आना चाह रही थी कि हम कितने दिन से चर्चा कर रहे हैं, हर सीट पे बात आती है तो ये आती है कि मोदी लहर है, लोग प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, मोदी की तरफ देख रहे हैं या राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। इस सीट पे मुझे ऐसा लगता है शायद ये असर थोड़ा सा कम है, काफी कम, थोड़ा सा नहीं, मुझे लगता है काफी कम होगा। देखिए, मैं आपको एक बात अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि जिन 12 सीटों पर पहले चुनाव, 13 सीटों पर पहले चुनाव हुआ, उनके नतीजे एक दिशा में जाते नजर आएंगे, तो कल 12 सीटों पर 6 मई को जब चुनाव होने जा रहा है, तो 6 मई को जहां मतदान होना है उनके नतीजे आप जब आएंगे तो देखेंगे दूसरी दिशा में जाते नजर आएंगे। जी, ये सीटें बहुत डिफरेंट है राजस्थान का, जातीय जो ध्रुवीकरण भी ज्यादा होने की संभावना, जिन 12 ये इलाका है जातीय ध्रुवीकरण का, जिनमें 6 मई को चुनाव है, करौली धौलपुर, अलवर, मेव, यादव, जाट, भरतपुर, जाट, जाटव, कोली, बैरवा, इधर सीकर, जाट, गैर जाट, चुरू,
नागौर, झुंझुनू, बीकानेर, गंगानगर जी, और जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, ये सारे जाति ध्रुवीकरण के आधार पर वोट पड़ने वाले इलाके हैं। और मोदी या ना मोदी का विषय पहले वाली 13 सीटों पर ज़्यादा था, इन 12 सीटों पर प्रत्याशी, उसकी जाति, जातिगत समीकरण, चुने हुए विधायक, उनकी पकड़, उनकी परफॉर्मेंस, और इनमें बहुत सारे इलाकों में तो कांग्रेस आगे है चुने हुए विधायकों की संख्या में भी, ठीक है ना। तो इसलिए ये डिफरेंट रिजल्ट देने वाला इलाका है, वो डिफरेंट रिजल्ट देने वाला। और कांग्रेस पार्टी को इन सीटों पर उम्मीद भी ज्यादा है पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो। चलिए दौसा से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, करौली की बात कर लेते हैं। यहाँ से भाजपा से मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया मैदान में है और कांग्रेस संजय जाटव को यहाँ से टिकट दिया है। यहाँ का मुकाबला किस तरह देखते हैं आप? ये जातिवादी इलाका है पूरा, मुझे लगता नहीं करौली धौलपुर में अभी कांग्रेस का, वैसे सीटें ज्यादा है कांग्रेस पास भी जी। यहाँ पर बीएसपी ने बीच में डेंट किया था कांग्रेस को जी। पर वो अब डेंट खत्म हो गया है, तो इसलिए मुझे यहाँ भी लगता है कि कांग्रेस की स्थिति ज्यादा बेहतर होगी। और सपोटरा में जैसा देखते हैं हम जी। रमेश मीणा है और हिंडौन सिटी ज्यादा प्रभावी रहेगी। हालांकि हिंडौन सिटी का जो एमएलए है कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन बताया जाता है गुजर बाहुल्य है हिंडौन में, तो गुजर समाज किस करवट बैठता है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का यहाँ पे काफी प्रभाव है और उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और उन्होंने वो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, उनके समर्थन में मीटिंगें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ किरोड़ी सिंह बैसला का जो है असर देखा जाएगा। हालांकि यहाँ पे पीएम मोदी भी अभी जाके आए हैं और उन्होंने कोशिश की है कि जो जाति ध्रुवीकरण वहाँ बैठ रहा था कांग्रेस के पक्ष में, तो कहीं की कोशिश की उन्होंने डेंट करने की। पीएम मोदी की सभा के बाद में काफ़ी कुछ उसका फर्क भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि एससी की सीट होने के कारण जाटव समाज वहाँ एक तरफ लामबद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। बसपा के प्रत्याशी हैं राम कुमार बैरवा, वो भी कुछ थोड़ा सा, देखिए राकेश जी वो जिला प्रमुख प्रधान रहे हैं सपोर्ट, और वो मैदान में है, समझ लीजिए आप मैदान में है, लेकिन वो चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। नहीं, इसमें एक बात और है कि बैरवा को टिकट नहीं देने से कांग्रेस नाराजगी है, नाराजगी है जी। पर अगर बैरवा ज्यादा वोट ले आएंगे तो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां बैरवा वोट लेगा बीएसपी का तो कांग्रेस को फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है जी। बीएसपी का वोट लेना सब जगह कांग्रेस को नुकसान देगा, यहाँ पर वो उन लोगों के वोट लेंगे जो कांग्रेस से नाराज है, यहाँ उनका बीएसपी का वोट लेना कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है, ऐसा मेरा मानना है करौली धौलपुर में। चलिए नीरज जी और कुछ कहेंगे सीट के बारे में आप? मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो है कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी का की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उनको लगता है, अभी सभी को लगता है कि वो उनकी जो है कार्य स्थली है, कर्म स्थली है, तो हिंडौन सिटी में और दूसरे जो इलाका करौली का डांग क्षेत्र है उसमें गुजर बाहुल्य है जहाँ पे गुजर समाज जिस करवट बैठेगा, क्योंकि देखिए जो मूल वोट बैंक है वो तो अपनी अपनी जगह जा रहा है, लेकिन गुजर समाज ने पिछली बार जो है कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, खुलकर वोट दिया था, जिस तरह से अपन इंडोन सिटी की बात करें भरोसेलाल जाटव की, तो उनके खिलाफ सारे सर्व समाज नाराज था, लेकिन उनके साथ जाटव और गुजर समाज साथ में आया, वो चुनाव जीत गए। तो कुछ मायने, कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को भी राजनीति में कहीं ना कहीं स्टेप देंगे, तो अगर धौलपुर करौली का चुनाव बीजेपी के पक्ष में आता तो वो कहीं ना कहीं कर्नल को भी प्लस देगा। लेकिन जो सर ने कहा है वहाँ जो हालात है अभी वहाँ कांग्रेस को ही थोड़ा सा भारी माना जा रहा है, और क्योंकि मनोज राजौरिया के खिलाफ 5 साल की काफ़ी नाराजगी है, एंड इनकम्बेंसी है। हालांकि लगातार मोदी जो समर्थक है वो लगातार कोशिश में है इसको कि चुनाव मनोज राजौरिया नहीं मोदी जी लड़ रहे हैं, और आपको आपको वोट नहीं, सीधा मोदी जी को जाएगा वोट, इस कोशिश में लगे हुए राकेश। चलिए अब सीकर की तरफ चलते हैं। सीकर में भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया है और कांग्रेस के टिकट पर सुभाष महरिया मैदान में है। अनिल जी देखिए जब चुनाव शुरू हुआ इस बार तो सब तरफ से एक आवाज आई थी कि सुभाष महरिया भारी पड़ेंगे। सुभाष महरिया ऐसे 2 बार सांसद रह चुके, तीन बार सांसद रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके और बीजेपी के टिकट पर लड़ गए, तो बीजेपी आदि तो उनके पास वैसे भी थी, वो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस भी उनके साथ हो गई और सीटें भी कांग्रेस ने ज्यादा जीती विधानसभा चुनाव में। राजेंद्र पारीख वहां से हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत वहां से एमएलए हैं, 6 सीटों पर कांग्रेस है, महादेव सिंह खंडेला निर्दलीय, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ये सब। लेकिन अभी जो सुमेधानंद सरस्वती जी वो भी बाबा रामदेव के करीबी हैं, पिछली बार टिकट उनके कहने से मिला था,
और आर्य समाज के एक साधु हैं, है तो वो भी जाटी, दोनों तरफ से जाटी लड़ रहे हैं, लेकिन जात ना पूछो साधु की, तो वो साधु हैं। पर उन्होंने पिछले 5 साल में काफ़ी जुड़ाव रखा है वहाँ के लोगों के साथ और उन्होंने चुनाव को अच्छा कर दिया काफ़ी। ऐसा नहीं रहा कि एक तरफा, और जब खुद मोदी जी वहाँ के सभा कर गए, जो सभा काफ़ी सफल आम सभा मानी जाती है, इसलिए वो चुनाव टक्कर का चुनाव हो गया है। पहले कांग्रेस के पक्ष में झुका हुआ था और ये जरूर है कि वाहिद चौहान कांग्रेस के साथ आ गए हैं, जिन्हें इस चुनाव से पहले वाले विधानसभा चुनाव में बसपा के 38,000 नहीं, शरद पवार की पार्टी से खड़े हुए थे और उनको उनको जो वोट मिले थे उसमें से 35,000 तो केवल शहर से मिले थे, राजेंद्र पारी किसी हार गए थे, इसीलिए हार गए थे, और 35,000 उन्हें सीकर शहर से वोट ले लिए थे, अकेले शहर से। अनिल जी, अमराराम जी चुनाव लड़ रहे हैं माकपा से, आप उस उनको कमतर नहीं आंक सकते, क्योंकि सीपीएम का वहाँ जोर भी रहा है, अमराराम खुद विधायक रहे हैं, दौद में रहे हैं और यहाँ रहे हैं। लेकिन देखिए, त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, मोदी और ना मोदी होगा चुनाव, या तो, और या फिर मेहरिया वर्सेज ये होगा सुमेधानंद। लेकिन जहां भी बात चर्चा सुनी जा रही थी, मोदी वर्सेज अदर्स हो रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए जो जाट बेल्ट है, फिर मैं दोहराना चाहता हूँ दर्शकों के सामने, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, ये जाट बेल्ट, ये जाट बेल्ट है जी। अधिकांश जगह दोनों तरफ से जाट ही है, एक जगह छोड़ के, चूरू को छोड़ के, लेकिन जाट बेल्ट का बिहेवियर मोदी और ना मोदी की बजाय और दूसरे फैक्टर पर भी डिपेंड करेगा। जाट मतदाता ऐसे नहीं वोट देता कि जैसे पूरा देश दे देता है। 77 में पूरे उत्तर भारत में 2 सीट जीती थी इंदिरा गांधी ने, नाथुराम मिर्धा जी, उसमें एक नागौर थी, नाथुराम मिर्धा जीते थे। तो ये जाट साइकी को समझना जरूरी है कि वो कैसे वोट देता है, उसमें मोदी और ना मोदी जैसे दूसरे फैक्टर भी अपना रोल प्ले करेंगे, ये मैं रेखांकित करना चाहता हूँ बात जी। चलिए, चूरू के लिए क्या कहेंगे, वहां से क्या कहते हैं राहुल कस्वा एक बार फिर मैदान में है, मौजूदा सांसद हैं, वहां का किस तरफ आपको झुकाव लगता है? चूरू में मुस्लिम को रफीक मंडेलिया को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जी। अब ये कांग्रेस का साहसिक कदम है, पहले विधानसभा चुनाव में भी उनको टिकट दिया था, उनके पिताजी मकबूल मंडेलिया उनको भी पहले चुनाव लड़ाया जा चुका है कांग्रेस टिकट पर, और पिछली बार भी उनको टिकट दिया गया था। हाँ, तो इसलिए अब अगर देश हिंदू मुस्लिम में पोलराइज हो रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, तो रफीक मंडेलिया को बहुत दिक्कत आएगी। और ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर हैं यहाँ पर चूरू में, हालांकि राजेंद्र सिंह राठौड़ वहाँ से जो विधायक हैं चूरू से, उनके बारे में कल जैसी चर्चा आई थी जी रोड शो के दौरान की, फिर वहाँ से बीजेपी के लोगों ने उसको खंडन किया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ राजेंद्र राठौड़ के साथ। हम मान लेते हैं नहीं हुआ, तो भी क्या राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्वा एक नाव में सवार हैं? पार्टी भले दोनों की एक है बीजेपी जी, पर राजनीति में ये यक्ष प्रश्न है दोनों और हमेशा रहेगा। राहुल कस्वा की जो उम्मीदवारी थी उसका उन्होंने विरोध किया था, और भले कहने को राजनेता कुछ भी कह दे जी, उनके समर्थक बहुत सारे इशारे समझते हैं, बहुत सारी बातें समझते हैं, और कई बार तो बिना इशारा किए भी लोग समझ लेते हैं। तो इसलिए राहुल कस्वा खुद एमपी हैं इस वक्त निवर्तमान, उनके पिताजी 3 बार एमपी रह चुके, राम सिंह कस्वा, राम सिंह कस्वा 4-5 बार से, ये 5 बार तो पिता पुत्र हैं, वही वहां से हैं जी, सांसद रह चुके हैं, और कमला कस्वा उनकी माँ भी विधायक रह चुकी हैं, जिला प्रमुख रह चुकी हैं। तो क्या चूरू कस्बा परिवार की अघोषित लोकतांत्रिक जागीर हो गया है, ये एक सवाल है। तो राजेंद्र राठौर इसीलिए तो शायद उनके टिकट में सहमत नहीं थे, यही उनकी पार्टी जो जीता जा रहा परिवार उसको कैसे टिकट काट दे, कैसे काट दे बताओ, सबसे बड़ी बात है कि काटे तो 4 बार सांसद उनके पिता रह चुके हैं, पिछली बार उनके बेटे को टिकट दिया गया और मोदी लहर में वो चुनाव जीते जी। और उसके बाद उनका टिकट काटे जाना ये संभव नहीं था, क्योंकि साफ सी बात है कि जब वो लगातार उस परिवार का दबदबा है, कब्जा लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक विधायक के विरोध के चलते किसी का टिकट काट दिया जाए संभव नहीं था।
लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जो राहुल कसवा पिछली बार जो बहुत मार्जिन वोट से चुनाव जीते थे, और पिछली बार जैसी मोदी लहर इस बार नहीं है, मोदी लहर है लेकिन पिछली बार बहुत जबरदस्त थी वेग नहीं है उसमें। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ मुकाबला कांटे का है। नहीं, राहुल कसवा को जनता के सामने अग्नि परीक्षा देनी होगी। हाँ, और मुकाबला हिसाब भी देना पड़ेगा, अपने पिता के कार्यकाल के हिसाब का भी हिसाब जनता लेगी उनसे। हो सकता है कि उनका वर्चस्व बरकरार रहे परिवार का। हाँ, संभव है, संभव है। उन्होंने कुछ काम किया होगा, जब भी लगातार लोग जिताए चले जा रहे हैं जी। पर पांच बार के बाद छठी बार, चार बार के बाद पांचवी बार, ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है जी। मोदी लहर हो तो उसका फायदा भी मिलेगा उनको बिल्कुल। और जिस तरह सनी देओल का रोड शो हुआ है उसके बाद में राहुल कसवा काफी मजबूत भी हुए हैं, नौजवान है तो, और उनको नौजवान है, युवा है तो युवाओं से सीधी पकड़ है, तो कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मतदान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि